नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अदाकारा हुई, उनमें से एक नाम नरगिस का भी है। नरगिस की खूबसूरती ऐसी कि जिसे देखते ही राज कपूर अपना दिल दे बैठे और सुनील दत्त अपना डायलॉग भूल गए थे। लेकिन आज मैं नरगिस की नहीं बल्कि उनकी माँ की कहानी बताने वाला हूँ। अगर मैं कहूँ कि नरगिस की माँ बनारस के कोठे की जान मशहूर तवायफ जद्दन बाई थी तो क्या आप मानेंगे? उस वक्त इनकी आवाज की खूबसूरती ऐसी कि कोठे तक लोग खींचे चले आते थे। वैसे तो इनके कई दीवाने हुए, लेकिन दो दीवाना ऐसा भी हुआ जिसने उस दौर में भी अपना ब्राह्मण धर्म छोड़कर सिर्फ इनके लिए मुसलमान बन गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक ठाकुर खानदान की बेटी एक कोठे की मशहूर मुसलमान तवायफ बन गई, कैसे इन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां की, उस कोठे से निकलकर कैसे ये बॉलीवुड की जान बन गई, इतना ही नहीं अपनी बेटी नरगिस को और अपने बेटे को भी सुपरस्टार बना दिया। लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद भी कुदरत ने इन्हें बहुत तड़पाया। जद्दन बाई गायिका और संगीतकार होने के साथ ही लेखिका, डायरेक्टर और एक्ट्रेस भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में कहानी भी लिखी, अभिनय भी किया और फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने वाराणसी के कोठे से लेकर मुंबई तक का शानदार सफर तय किया और हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार बनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय फिल्मी इतिहास की मात्र चार महिला संगीतकार हुई और पहली संगीतकार थी जद्दन बाई। 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाश हक का संगीत जद्दन बाई ने ही तैयार किया था। जद्दन बाई न जाने कितने विरोधाभासी रंगों को लेकर प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक ऐसी तस्वीर अतीत के पर्दे से निकलकर सामने चलती फिरती प्रतीत होती है कि जितना उसे देखो दिल उसमें डूबता चला जाता है, दिमाग सोचता रह जाता है। किस्सा नंबर एक। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोस्वारा ग्राम में ठाकुर परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया, नाम था दलीपा। बचपन की कच्ची व मासूम उम्र में ही दलीपा की शादी कर दी गई, लेकिन विधाता ने बड़ी निर्दयता से उस मासूम के मांग का सिंदूर पोंछ दिया। दरअसल शादी के बाद विदाई हो चुकी लौटती बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया और दहेज लूटकर पति को भी गोली मार दी। किसी तरह दलीपा वहां से बचकर निकल पाई, लेकिन अब वह विधवा कहलाई। उन दिनों किसी हिंदू परिवार में किसी बालिका वधु का विधवा हो जाना क्या अर्थ रखता है, इसे सभी जानते हैं। पुनर्विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी अभागियों को परिवार से लेकर समाज तक का ताना जीवन भर सहना पड़ता था। बेचारी युवा विधवा पर ससुराल वाले बड़ा अत्याचार करते थे तथा उसे जन्मजली अभागी करार दिया गया था। प्रतिदिन की तरह वे नदी के घाट पर कपड़े धो रही थी और कोई लोकगीत अपने दुखी मन से गुनगुना रही थी। उधर से गुजर रही जत्रा मंडली की एक स्त्री ने उनकी व्यथा कथा सुनी तो अपने साथ भाग जाने का आग्रह किया। दलीपा अपनी आजादी का लालच पाकर साथ चलने को राजी हो गई, लेकिन उस मंडली के लोगों ने दलीपा को इलाहाबाद के कोठे पर बेच दिया। उस दौर में दो तरह के कोठे होते थे, एक में केवल ठुमरी और नृत्य होता था जैसा हम पाकीजा में देख चुके हैं, दूसरे किस्म के कोठे में शरीर का व्यापार होता था। यह पहले किस्म का कोठा था। इस कोठे पर पहुंचने के बाद दलीपा कभी वहां से निकल नहीं पाई और दलीपा देवी से बन गई दलीपा बाई। कोठे पर ही उन्होंने गायन और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की और फिर दलीपा कोठे की शान बन गई। दलीपा की गायकी में सारंगी का साथ दिया करते थे मियाँ जान। दलीपा और मियाँ जान की लय ताल कुछ इस कदर मिली कि दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ब्राह्मण कुल की दलीपा मुस्लिम धर्म अपना ली और बन गई दलीपा बाई। मियाँ जान से दलीपा को तीन संतानें हुई, उनमें से एक की मृत्यु हो गई और बचे दो, एक बेटा जिसका नाम रखा गया जुलाई और एक बेटी जिसका नाम रखा गया जद्दन, पूरा नाम जद्दन हुसैन बाई।
जद्दन की परवरिश कोठे पर तवायफों के बीच ही हुई। वैसे तो जद्दन को संगीत अपने माँ और पिता से विरासत में मिली और उसके बाद मियाँ जान ने अपनी बेटी जद्दन को गाना बजाना सिखाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार गाना बजाना सीखती हुई जद्दन 14 वर्ष की हो गई। उसी के साथ भाई जुलाई ने तबला बजाना भी सीख लिया था। कहा यह भी जाता है कि जद्दन भाई ने कुछ दिन तक संगीत की शिक्षा दरगाहे मिश्र और उनके सारंगी वादक बेटे गोवर्धन मिश्र से भी ग्रहण की थी। अब जद्दन भी तवायफ का काम करने लगी थी और कोठे के साथ साथ उस दौर के नवाबों के दरबार की शान भी बनने लगी थी। अपने हुनर और अच्छी तालीम से वह ठुमरी की एक अच्छी गायिका के रूप में शोहरत पाने लगी। कोठे की जीनत बनते ही जद्दन ने जगमगाना शुरू कर दिया। उसकी गायकी की प्रसिद्धि सुगंध के समान फैलने लगी। लोग इनकी गायकी सुन इन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। जद्दन भाई को माँ से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिल गया। किस्सा नंबर 2। जद्दन भाई ने एक दो नहीं बल्कि 3-3 शादियां की। 2 हिंदू तो उनके लिए इस्लाम स्वीकार कर मुस्लिम बन गए थे। पहली शादी गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास खत्री से हुई। हुआ यूं कि एक दिन नरोत्तम दास खत्री जद्दन के कोठे पर गाना सुनने आए और जद्दन को देखते ही इनसे प्यार हो गया। प्यार का परवान ऐसा कि जद्दन से शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाकर अपना नाम रख लिया बच्ची बाबू। इनसे जद्दन को पुत्र हुआ अख्तर हुसैन। अब इसे बदनसीबी कहे या कुछ और, जद्दन की यह मोहब्बत ज्यादा दिन ना टिक पाई और चंद सालों में ही नरोत्तम इन्हें छोड़कर चला गया और कभी लौटा ही नहीं। सालों बाद कोठे पर ही हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद इरशाद मीर जद्दन पर अपना दिल हार बैठे और इनसे शादी कर ली, जिनसे इन्हें दूसरा बेटा अनवर खान हुआ। मगर दूसरी शादी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और दोनों अलग हो गए। ये वो दौर था जब देश में क्रांति की ज्वाला तेजी से धधक रही थी और आजादी की लहर हर हिंदुस्तानी के सीने में ज्वार भाटा की तरह उमड़ रहा था। साथ ही अंग्रेजों का कहर भी बढ़ रहा था। अंग्रेजों को लगने लगा कि जद्दन इन लोगों को अपने कोठे पर पनाह देती है, जिस कारण जद्दन भाई की मुश्किलें बढ़ने लगी। अकेली माँ, साथ में 2 बेटा और अंग्रेजों का जुल्म। तंग आकर जद्दन बनारस छोड़ कलकत्ता आ गए और यहाँ एक कोठे पर गाना शुरू कर दिया। यहाँ जद्दन को मिला उनका जुनूनी आशिक मोहन बाबू। दरअसल लखनऊ के एक खानदानी रईस के सुपुत्र मोहन बाबू डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पानी के जहाज से कोलकाता से लंदन जाने वाले थे। जहाज के आने में कुछ दिनों के विलंब के कारण मोहन बाबू को कोलकाता रुकना पड़ा। एक दिन वे घूमते फिरते जद्दन भाई के कोठे पर जा पहुंचे और उनके सौंदर्य और मधुर आवाज के इस कदर दीवाने हो गए कि उनसे शादी की जिद पकड़ ली। जद्दन भाई ने उन्हें समझाया कि वे यह आत्मघाती जिद छोड़ दें। जब जद्दन मोहन बाबू को ना समझा पाए तो जद्दन ने मोहन से कहा कि जाओ पहले अपने परिवार को जाकर बताओ कि तुम एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहते हो। अगर परिवार वाले मान जाते हैं तो मैं सोचूंगी। इस पर मोहन बाबू चले गए और पूरे 4 साल के बाद परिवार की सहमति ना मिलने के कारण मोहन बाबू पूरे परिवार से नाता तोड़कर जद्दन के गेसुओं के छांव में अपना घर बनाने आ गए। इस साहसी कदम के बाद जद्दन भाई को अपने जुनूनी आशिक मोहन बाबू से विवाह करना ही पड़ा। मोहन बाबू ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अब्दुल रशीद बन गए। घर छोड़ने के कारण मोहन बाबू को घर वालों ने जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिस कारण जद्दन भाई ने ही मोहन बाबू की जिम्मेदारी उठाई। यह भी बताता चलूं कि मोहन बाबू जद्दन भाई से उम्र में 2 वर्ष छोटे थे। मोहन बाबू और जद्दन भाई को लड़की हुई, नाम था फातिमा रशीद। लार से दोनों उसे बेबी रानी कहते थे। वही आगे चलकर अभिनेत्री के रूप में नरगिस प्रसिद्ध हुई। ये नाम उनको रोटी, औरत, मनमोहन, मदर इंडिया आदि अमर व लाजवाब फिल्मों के निर्देशक महबूब खान ने दिया। क्षमा पर निसार हुए किसी जान निसार परवाने की भांति मोहन बाबू आखिर तक जद्दन के प्रति समर्पित और उन्हीं के साथ छाया के समान रहे। जद्दन भाई भी जब तक जीवित रही सांस सांस में अपने मोहन की स्मृति संजोए रही। वे बात बात में उन्हीं का नाम लेती थी। किस्सा नंबर 3। कोलकाता में ही जद्दन भाई की मुलाकात मल्लिका जान से हुई।
मल्लिका जान की अंतरंग सहेली थी भारत की प्रसिद्ध गायिका गौहर जान। गौहर ने जब जद्दन का गाना सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। उसकी प्रतिभा को देख परख कर गौहर ने उसे ठुमरी के सुप्रसिद्ध उस्ताद मौजुद्दीन खान साहब के हवाले कर दिया। खान साहब ने बड़ी लगन और मेहनत से जद्दन को बाकायदा तालीम दी। देखते ही देखते जद्दन की गायकी पूरे देश में पसंद की जाने लगी। देश के अलग अलग जगह ब्रिटिश शासक अपनी महफिल सजाने के लिए इन्हें ही बुलाते। इनकी गाई गजलों को यूके की म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। रेडियो स्टेशन में जद्दन बाई की आवाज देश भर के लोगों को दीवाना कर रही थी। किस्सा नंबर 4। जब भारत में बोलती फिल्मों का निर्माण आरंभ हुआ तो फिल्मों में काम करने और नाचने गाने वालों के भाग्य खुल गए। मगर रोचक बात यह कि सिनेमा में काम करना अमूमन अब भी अच्छा नहीं माना जाता था। और तो और तब आया भी सिनेमा में काम करना अपने पेशे से भी ज्यादा अपमानजनक व गिरा हुआ काम मानती थी। लाहौर के एक प्रोड्यूसर थे हकीम राम प्रसाद। उनके कानों तक भी जद्दन बाई की प्रतिभा की तारीफें और चर्चाएं पहुंच चुकी थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी फिल्म राजा गोपीचंद में जद्दन को लेने का इरादा बनाया। जद्दन को फिल्म अभिनय का कोई अनुभव था नहीं, अतः एकदम से हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकी। रामप्रसाद भी ठान लिए कि जद्दन को तो फिल्म में लेना ही लेना है। फिर उन्होंने दबाव बनाया, अब जद्दन को हाँ कहना पड़ा और वे लाहौर पहुंची। फिल्म बनी, रिलीज हुई, सफल भी रही। इस फिल्म के हीरो थे हरिश्चंद्र बाली। जद्दन यहाँ कुछ ही दिन रह पाए थे कि निर्माता निर्देशक राम दरिया ने उन्हें मुंबई ले आए। मुंबई आ जाने के बाद जद्दन बाई ने जिस फिल्म में पहली बार हीरोइन की भूमिका निभाई वह आर्दशीर ईरानी की इंपीरियल स्टूडियो में बनी राम दरियानी की फिल्म थी इंसान या शैतान। जब जद्दन बाई का फिल्मों में नाम होने लगा तब उन्हें लेकर सागर मूवी टोन ने एक फिल्म बनाई, नाम था डांसिंग गर्ल। इसके हीरो याकूब थे। यह फिल्म भी हिट रही थी। जद्दन को इतना अधिक प्रोत्साहन मिला कि उन्होंने अपनी एक फिल्म निर्माण कंपनी संगीत फिल्म कंपनी के नाम से खोल ली। इस फिल्म कंपनी के बैनर तले जद्दन ने जो पहली फिल्म बनाई वह थी तलाशे हक। यह सन 1935 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की हीरोइन गायिका संगीतकार निर्देशिका और कहानी लेखिका अर्थात सब कुछ वे खुद थी। उनके साथ हीरो फिर याकूब थे। दोनों बेटे अख्तर व अनवर के साथ बेबी रानी भी थी जिसने बाल कलाकार के रूप में पहली बार कैमरे का सामना किया था। वैश्या जीवन और उसकी त्रासदी को लेकर बनाई गई इस फिल्म में एक वैश्या अपने हक और सच्चाई की तलाश करती है। अपनी संगीत फिल्म कंपनी के बैनर तले जद्दन ने तलाशे हक के अलावा मॉडर्न फैशन या यूं कहे तो मैडम फैशन और फिल्म जीवन स्वरूप और मोती का हार जैसी शानदार फिल्में बनाई। जीवन स्वरूप की कहानी तो खुद जद्दन की अपनी जीवन कथा पर आधारित थी। इसमें मोहन बाबू ने भी काम किया था। तवायफों की जिंदगी पर आधारित जद्दन द्वारा निर्मित एक और फिल्म थी दरोगा जी। इस फिल्म के माध्यम से यह सच्चाई बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश की गई थी कि भोली भाली कमसीन लड़कियों को बहला फुसला कर भगा कर कैसे वैश्यवृत्ति में झोंका जाता है। जद्दन भाई ने अपनी बेटी नरगिस को कभी प्रॉपर नृत्य और गाने की तालीम नहीं दिलाई। इस पर जद्दन भाई खुद बताती थी कि मोहन बाबू इसके खिलाफ थे और सच पूछो तो मुझे भी पसंद नहीं था। यह भी बड़ी अचरज की बात है कि नरगिस फिल्म लाइन नहीं अपनाना चाहती थी, ना अभिनेत्री बनना चाहती थी, बल्कि वह तो अपने पिता मोहन बाबू की छोड़ी अधूरी लाइन अपनाकर डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उनकी प्रोडक्शन कंपनी को कर्ज से उबारने के लिए जद्दन अपनी बेटी को फिल्मों में काम करने को कहा और लगातार वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करवाती थी। 1940 तक जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी भारी नुकसान में जाने से बंद हो गई। जद्दन बाई ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आखिरकार 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। यहाँ आपको बता दूं उनकी बेटी नरगिस का भी देहांत कैंसर के कारण ही हुआ था। जद्दन बाई ने अपने सबसे लाडली संतान को दिन रात एक करके बड़े चाव और जतन से प्रतिभा संपन्न व काबिल बनाया और फिल्मी दुनिया में एक लाजवाब नमूना बनाकर पेश किया। उसी लाडली बेबी रानी उर्फ अभिनेत्री नरगिस ने उन्हें सबसे अधिक मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई। कैसे,
वो मैं आपको अगले एपिसोड नरगिस के अनसुने किस्से में बताऊंगा, क्योंकि किस्से अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।